रजिया, मैंने तुझे बाहर पांव रखने की इजाजत इसलिए नहीं दी थी कि तू चलकर बारूद की सुरंग पर खड़ी हो जाए। नहीं अमीजा, तुम्हें खुदा का वास्ता देती हूं, तुम रजिया को भूल जाओ। खुदा कभी मोहब्बत के खिलाफ नहीं होता। तुम क्या चाहते हो, खून की नदियां बह जाए? समुद्र के किनारे रहने वाले नदियों से नहीं डरते और ना किचन में पलने वाले खून के छींटों से भागते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता। मैं तो रजिया से शादी। खामोश। रजिया अपने चेहरे के रंग की तरह पाक और बेदाग है, और तुम लोफर, गुंडे, कातिल। खबरदार जो रजिया के करीब आने की कोशिश की तो। करीब तो हम आ चुके हैं। अगर यह सच है तो मिटाकर दूर भी कर दिए जाओगे। फिर तो यह बेवकूफी कहलाई जाएगी, इसलिए कि गोरे रंग पे अगर काला तिल पड़ भी जाए तो उसे खुरच कर नहीं मिटाया जाता, बल्कि लोग उसका और एहसान मानते हैं, इसलिए कि वो बुरी नजर से बचाता भी है। तुम बचाओगे से? तुम? मैं असलम पठान की बीवी हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम लोगों की जिंदगी को। शेरों की तरह दहाड़ते हो मगर चूहों की तरह डर के रहते हो, भागते रहते हो, बच के रहते हो। पता नहीं तुम लोगों में से कब किसकी लाश चौराहे पर मिले। इसीलिए असलम पठान जब भी घर से बाहर निकलता है, मैं उसे ऐसी नजरों से देखती हूँ जैसे आखिरी बार देख रही हूँ। मैं नहीं चाहती यह डर से कांपती हुई जिंदगी मेरे बेटी को भी मिले। चलो। वापस लौट जाओ। तुम समझते क्यों नहीं, अगर तुम्हारी जान को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी मुन्ना। मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर वाकई मुझे खुश देखना चाहते हो तो वादा करो कि तुम ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाओगे जिससे हमारी मोहब्बत बदनाम हो जाए। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा, तुम मुझसे मिलने आओगी? ये नामुमकिन है। अम्मी और अब्बा ने मुझे अपने ही घर में नजरबंद कर रखा है। तुमसे मिलना तो दूर रहा, मैं फोन पर बात भी नहीं कर सकती। तो फिर मैं क्या करूं? दुआ करो। कल के दिन मैं अपनी जिंदगी का एक अहम प्रोग्राम पेश कर रही हूँ जो फन की दुनिया में तहलका मचा देगा। तब तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देने जरूर आऊंगा। नहीं मुन्ना, तुम बाहर नहीं आओगे। अब तो मुलाकात कल ही होगी। नहीं मुन्ना। खुदा हाफिज। मुन्ना, मुन्ना सुनो तो। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। भलिया, तुम ही वो नाफरमान औलाद हो जिसने मां बाप की इज्जत पर काला दाग लगा दिया है। रजिया, कल का होने वाला प्रोग्राम तेरी जिंदगी का आखिरी प्रोग्राम है। अगर उसके बाद तूने घर से कदम बाहर निकाला तो हम ही ने तुझे पैदा किया है और हम ही तुझे खून के कफन में लपेट कर जिंदा दफन कर देंगे। साहिबान, आज मेरी बेटी की महफिल है, इसलिए मैंने अपने दोस्तों और जानने वालों को इस महफिल में बुलाया है। मगर आप सबको सुनकर यह ताज्जुब होगा कि इस महफिल में मेरे दुश्मन के एक बहुत ही मशहूर बेटे मुन्ना तशरीफ लाए हुए हैं। जो बिन बुलाए किसी की भी महफिल में जाकर
दूसरों की माँ बहन और बेटियों पर बुरी नजर डालता है। अब आप उसे क्या कहेंगे, बहादुर या बेशर्म, खुददार या कमीना, खानदानी या डपोरी, भगिया? मुन्ना, तुझे तो तेरे माँ बाप का पता नहीं है, तुझे तो भाई ने पाला है, लेकिन जब भी किसी मर्द को कसम दी जाती है तो माँ के दूध की दी जाती है। तुझे तेरी माँ के दूध की कसम मुन्ना, तू रजिया को लेने आया है ना? हाँ, अगर तेरे कलेजे में दम है तो थाम ले इसका हाथ। बहुत मर्द बनता है ना तू, तो दिखा दे आज अपनी मर्दानगी के जौहर। क्यों गया? क्या मां के दूध की तासीर गटर के पानी में बह गई? सब चुपचाप बैठे रहो, कोई अपनी जगह से नहीं रहेगा। रोक क्यों गए अरे मुन्ना? उठा ले हमारी बहू को। अरे उठा ले, असलम वाले तुझे तेरी मां के दूध की कसम दी है ना, अब देखता क्या है। अरे बात पे तो आदमी मौत की कलाई भी थाम लेता है। बल आगे और थाम ले हाथ अपनी बहू का, जो होगा देखा जाएगा। आ जाओ रजिया, तुम मेरा प्यार हो। रजिया, तुम हमारे खानदान की इज्जत हो, तुम हमारी औलाद हो। खबरदार जो आगे बढ़ी, तुम्हें मेरे खून की कसम, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, तुझे मेरे दूध का वास्ता। रजिया, तुम्हीं ने कहा था ना, मोहब्बत खुदा है और सजदा सिर्फ खुदा के सामने करना चाहिए। झूठ बोलता है ये, मोहब्बत सिर्फ एक ढोंग है। नहीं, मोहब्बत खुदा है, 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 राजा सिंह, तुमने हमारे और भाई के बीच में जो समझौता किया था वो समझौता मैं ठुकरा रहा हूं। जब मुन्ना मेरी बेटी को खुलेआम ले गया तब कहां थे तुम लोग? अपने आप पे काबू पाओ असलम भाई, हमें भी अभी अभी ये मनहूस खबर मिली है। फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज से हम सब भाई और उसके तमाम साथियों के खिलाफ जंग शुरू करते हैं। हम इस जिल्लत का वो बदला लेंगे कि जुल्म की दुनिया भी कांप उठेगी, कांप उठेगी। भाई को क्या अडवाणी, मुन्ना
भाई गो किया हमेशा कड़ी बात करता है। मेरे पास एक सोने की खान है, अगर आप चाहें तो हम लोग भागीदारी में धंधा कर सकते हैं। इतनी मेहरबानी हम पर क्यों? इस शहर में कई और भी तो है, तिवारी, चट्टी, असलम पठान, राजा सिंह। क्योंकि उनकी जेब में सिर्फ चाकू और रिवाल्वर हैं, और आप लोगों की जेब में पुलिस और नेता भी हैं। साफ साफ बोल, किसका बिल फाड़ना है? इसका। ये तो हेरोइन है, बहुत खतरनाक चीज। भाई पड़ोसी मुल्क से माल लाने का और बेचने का पूरा बंदोबस्त अपन का है, बाकी यहाँ नेता और पुलिस को संभालने का जिम्मा आपका। एक महीने के अंदर 2 करोड़ का प्रॉफिट गारंटेड है। हमारा हिस्सा क्या होगा? 50-50। सोच लीजिए, बड़ा पैसा है इस धंधे में, 6 महीने में इनकम 10 गुना बढ़ जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। पैसा गर्दन की नस काट कर भी कमाया जाता है, और पजामे का नाड़ा खोल कर भी। हम खतरनाक धंधे करते हैं, गंदे काम नहीं। इस चीज से तो सारी नस्ल तबाह हो सकती है। हमारे अपने भी बेटे हैं, कल पोते भी होंगे। उठाए से ले जाए इसे, मुझे माफ करो, चलो। क्या तुम्हारे पास इस बात की गारंटी है कि 6 महीने में इनकम 20 करोड़ हो जाएगी? अरे भला तुमसे झूठ बोलने की जरूरत मैं कर सकता हूं? वैसे अफलाक,